नमस्ते फ्रेंड्स मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स जब कभी हम फेस्टिवल्स पे कोई मिठाई बनाते हैं फेस्टिवल ख़त्म हो जाते हैं पर कुछ मिठाइयाँ बच जाती है उसका क्या यूज़ करें तो आज मैं आपको बचे हुए लड्डुओं से टेस्टी हलवा बनाना सिखा रही हूँ एक बार आप इसे बनाएंगे तो हर बार आप सोचेंगे कि बार बार लड्डू बचे और हम इस हलवे को बनाएं चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना मैंने यहाँ पर ये चार से पाँच मोती चूर के लड्डू लिए हैं आप कोई भी यहाँ पे बूंदी के या मोती चूर के लड्डू ले सकते हैं ये थोड़े से ड्राई हो गए हैं आप टेक्सचर देख ही रहे हैं और पुराने हो गए हैं कोई इन्हें खाना पसंद नहीं कर रहा है इस समय तो मैंने सोचा इससे कोई मिठाई बनाई जाए ताकि सभी लोग इसे खा लें इंजॉय करें और साथ में लड्डू का यूज़ भी हो जाए तो इसे मैंने चूरा कर लिया है रफली चूरा करने के बाद में हम इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसको अच्छे से फाइन पाउडर के रूप में पीस लेंगे तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से घर पर बची हुई मिठाइयों को री करके दूसरी मिठाइयाँ बना सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से पीस लिया है अब इस पिसे हुए पाउडर को हम एक कढ़ाई में डाल देंगे हमें इसी तरह का यहाँ पे पाउडर चाहिए और अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे हैवी बॉटम की मैंने कढ़ाई ली है उसमें करीब एक चम्मच हम घी डाल देंगे आप इसे यहाँ पर बिना घी के भी बना सकते हैं पर घी डालने से इसमें थोड़ी सी चमक आ जाती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने इसे बचे हुए लड्डुओं से बनाया है अब हम इसमें पिसा हुआ लड्डू डाल देंगे और उसे अच्छे से हम रोस्ट करेंगे करीब दो से तीन मिनट हमें इसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है ताकि जो इसमें हल्का सा दाना आपको देख रहा है वह हल्का सा पक भी जाए और ये थोड़ा मैश भी हो जाए और एकदम इसका हलवे जैसा टेक्सचर आ जाएगा तो इस तरह से हम इसे कर अच्छे से कुक कर लेंगे और इसका हल्का सा कलर भी डार्क हो जाएगा हमने यहाँ पे कोई कलर का यूज़ नहीं किया है सिर्फ लड्डू को पीसा है एक चम्मच घी डाला है और इसे इस तरह से हम रोस्ट कर लेंगे और आप देखिए जो हमने घी डाला था वापस से घी छूट गया है इससे हलवे में काफ़ी अच्छी चमक आती जिस तरह से कि दाल का हलवा दिखता है वैसा ही हलवा हमारा ये खाने में और दिखने में लगेगा अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी डाल देंगे आप यहाँ पर दूध का भी यूज़ कर सकते हैं उससे और भी रिचनेस इसकी आएगी और जो भी आप यहाँ पे यूज़ करें उसे पहले गर्म कर लें उसके बाद ही इसमें डालें और इसे अच्छे से हम पका लेंगे कंटिन्यू सिलाते हुए इसे आप एकदम सूखा होने तक पका लें करीब दो मिनट हमें इसे और पकाना है यानी दो मिनट हमें स्टार्टिंग में लगे दो मिनट हमें आप पानी डालने के बाद में हम इसे पकाएंगे और आप देखेंगे कि एकदम गाढ़ा हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमें बहुत ज़्यादा इसे पकाने की जरूरत नहीं क्योंकि बूंदी में जो बेसन डलता है वो ऑलरेडी पका हुआ होता है हमें बस यहाँ पर इसकी हलवे जैसी कंसिस्टेंसी लाने के लिए इसे पकाना है तो इस तरह से आप देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आया है और इसका टेक्स्चर भी काफ़ी बढ़िया आ चुका है अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है साथ ही में अपनी पसंद के अनुसार आप यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं ताकि हलवे में और भी रिचनेस आ जाए और आप इस हलवे को बनाकर यदि गेस्ट को भी सर्व करेंगे तो उन्हें भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसे बचे हुए सूखे लड्डुओं से बनाया है तो इस तरह से हमने इसे सर्व कर लिया है अब आप इसे ड्राई फ्रूट्स से अच्छे से गार्निश करें और मनपसंद अनुसार इसे ठंडा या गर्म सर्व करें बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगता है इस हलवे को बनाकर आप हमें अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ